मझियार से जी, मऊगंज मझियार, मऊगंज मझियार से जी। के आए रहे हैं आज, मजा कहाँ से है अपना? देवतालाब। देवतालाब, देवतालाब में गिरीश गौतम जी विधायक हैं, जनार्दन मिश्र जी सांसद हैं। कितना विकास पहुँचाई नहीं इधर की काला गता से भटकाइए मत जनता को। हम कहाँ भटका रहे हैं? इतना इतना बड़ा शरीर लिए हैं हम, अपने लिए काम नहीं कर सकते हैं? करिए ना, क्या कोई जरूरी है कि हमको शासन खाना दे? नहीं तो हम बताओ, हम आपसे पूछ रहे कि भाजपा नहीं आएगी? वो उनको उतना ही ज्यादा जानकारी है कि कांग्रेस से बिल्कुल, कांग्रेस में क्या है, खाली परिवारवाद है, खाली परिवारवाद और चरण चुम्बन है। जितने भी यहाँ कांग्रेसी ये किसी काम के नहीं है। अब भाजपा इनको नहीं ला रही तो बेचारे अपना कांग्रेस ही में है। हम टमाटर महंगा खिले। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार लगातार जोरों पर है। वहीं बात की जाए रीवा संसदीय क्षेत्र की, तो रीवा संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। वहीं रीवा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत नवागत मऊगंज जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नईगढ़ी में आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आम सभा को संबोधित किए हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो उनके साथ में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित तमाम रीवा जिला के भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर साथ ही देश के विकास पर चर्चा की है। अब हम सीधे बात करते हैं यहाँ के आए हुए आम जनता से, आम जनता की क्या राय है और कितना विकास हुआ है, क्या कुछ वे कहते हैं जी? मऊगंज मझियार, मऊगंज मझियार से जी। के आए रहे हैं आज? कौन आया था आज यहाँ? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह क्या बोले हैं? क्या कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। त्रिपाठी। त्रिपाठी जी कहाँ घर है अपना के? हमारा घर है रामपुर जी। कौन विधानसभा लगी? लागी तो हमारे व्यक्तिगत घर नई गई, वो देवतलाव मनगवा विधानसभा वहाँ है जी। जी देवतलाव नई गई विधानसभा से हम 11 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जी। जी अब पिछले विधानसभा में कांग्रेस छोड़ के हम आए हैं। क्या लागत है इधर की? राजनाथ सिंह जी आए रहे हैं, काफी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह आए हैं, राष्ट्रीय नेता आए हैं, उनका स्वागत है। सबसे बड़ी जनता का मूड है, जनता यहाँ जौन मन बनाए है वो कर देते। अच्छा अपना सयान हन अंतरात्मा का आवाज बताओ। मोदी मैजिक अगर छोड़ दें जाए, हमारे पहले सवाल सुनिए, अगर मोदी मैजिक के बाद छोड़ दें जाए, जनार्दन मिश्र जी के कितनी हैसियत है? जवाब सुनिए पूर्ण। जब हमको भाजपा के व्यक्ति को ही वोट देना है तो खुल के भाजपा के साथ रह के वोट क्यों ना दें? हम क्यों खरीदे हुए व्यक्ति को वोट दें? वहाँ पे बीच में लटके रहेंगे। अगर एक व्यक्ति से, एक संसद से सरकार गिरने की नौबत आएगी तो ये जो भाजपा में से कांग्रेस में आके चुनाव लड़े सबसे पहले दल बदल के सरकार गिराएंगे। तो इससे अच्छा भाजपा में रह के ही भाजपा को वोट दी जाए, ओपन भाजपा को दी जाए, दलालों को, बीच वालों को, खरीदे वालों को क्यों दिया जाए वोट? नहीं नहीं, हमारे हमारे सब, हमारा सवाल मोदी मैजिक सबका जवाब दे दिया कि जब दूसरे दल वाले को ही वोट देना है तो उसी दल में समाहित होकर वोट दो ना। बिल्कुल भटकाइए मत जनता को। हम कहाँ भटका रहे हैं? इतना बड़ा शरीर लिए हैं हम, अपने लिए काम नहीं कर सकते हैं? करिए ना, क्या कोई जरूरी है कि हमको शासन खाना दे? नहीं तो हम बताओ, तो हम आपसे पूछ रहे हैं क्यों आप भटका रहे हैं? सुनिए, मैं भटका नहीं रहा, क्यों भटका रहे हैं? मैं भटका नहीं रहा हूँ, देखिए देखिए, आप गुस्सा मत होइए, मैं भटका नहीं रहा हूँ, मैं बार बार यही सवाल कर रहा हूँ। बार बार यही सवाल आप बोल रहे हो, क्या मिला, क्या मिला? सब कुछ मिला, वही आप बताइए ना। शिक्षित महिला है, ठीक है ना, अच्छी बात है, भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हर व्यवस्था मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना। हाँ अच्छी बात और है, हमारी सुरक्षा हो रही है, तो अच्छी बात है। इसके बाद पहले, इसके पहले क्या सुरक्षा थी महिलाओं की? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, खुले आम लपटते थे, कोई आता था? तो वही आप बताइए ना कि वही अंतर हुआ है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। खुले आम लपटते थे, कोई आता था? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप ये जान लीजिए कि हर महिलाओं की सुरक्षा है, हर बहन बेटियों की सुरक्षा है, पेट में पैदा होती है बच्ची उसकी सुरक्षा है। पहले तो मार देते थे, बिल्कुल पुरुष लोग मार देते थे, हर महिलाओं को गला दबा के मार देते थे। हाय आप में दम, हमें मार दीजिए, हम पता नहीं क्या कर देंगे। अरे ठीक है, नईगढ़ी के यहाँ जी जी, क्या लागत है? बड़े बड़े नेता आए रहे हैं प्रचार प्रसार में जी। हाँ तो अच्छा है, विकास भी हो रहा है, हो रहा है, हमारे देवतालाब विधानसभा का विकास तो अच्छा ही हो रहा है। हाँ बढ़िया, अच्छा विकास है। रीवा का सांसद कौन बनने वाला है? रीवा का सांसद तो जो विकास करेगा वही बनेगा, जनार्दन मिश्रा जी उनकी पार्टी विकास कर रही है वही बनेंगे। अच्छा ठीक है, अपना का नाम? सुरेश मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ घर है अपना? हमारा घर है मधेला, अकौरी जी, अकौरी मधेला। हाँ अकौरी में विकास कुछ अकुरा हवा? अकौरी में नहीं, देश के लिए और जो पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, भाजपा के अलावा कोई नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हम प्राइवेट जॉब करता हूँ उड़ीसा में, वहाँ पर
नवीन पटनायक की सरकार है, भाजपा के साथ है, और ये बकलोली बताने वालों से कोई मतलब नहीं है। उस बार भी बकलोली बता रहे थे, इस बार भी बकलोली बता रहे हैं। हम टमाटर महंगा के, एक मिनट सुन लीजिए, पहली बार मुद्दे पर, हम टमाटर महंगा धनिया महंगा के लिए वोट नहीं दिए थे। हमारा वोट का मूल्य चुक गया, 370 हटा, हमारा राम मंदिर बटा, हम समाज में सुंदर मतलब चंदन लगाते हैं, ये हमारे लिए, हम इसके लिए वोट दिए थे, हम टमाटर महंगा के लिए वोट नहीं दिए थे। माया यादव, माया कहाँ से है अपना? देवतालाब। देवतालाब में गिरीश गौतम जी विधायक हैं, जनार्दन मिश्र जी सांसद हैं। कितना विकास पहुँचाई नहीं इधर की कालागत है, रीवा के सांसद के बना हुआ है जनार्दन मिश्रा, कितना विकास पहुँचाई पाए? खूब विकास पहुँचाए हैं, तो दिखे रहा है जनता को। जैसे बताइए, जैसे की रोड देख लीजिए, नल देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, और क्या देखेंगे रहे हैं कि भाजपा नहीं आएगी। वो उनको उतना ही ज्यादा जानकारी है कि कांग्रेस से बिल्कुल मुक्त कांग्रेस है, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त है। अरे कहां कहां बताएंगे, एमपी, यूपी, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, कहां है कांग्रेस? कांग्रेस में एक ही है, कांग्रेस में है कि हमारा, हमारे मतलब वहां पर एक बाप परिपाटी है। अरे हम गरीब हूँ, हमारे घर में नहीं है, हम पंचायत बनवाऊंगा, लोगों को हम अपने पंचायत में बैठाऊंगा, हमारे घर में भैंस नहीं लगे, हम अमूल की चाय पिलाऊंगा। और कांग्रेस में क्या है, खाली परिवारवाद है, खाली परिवारवाद और चरण चुम्बन है। जितने भी हैं कांग्रेसी, ये किसी काम के नहीं है। अब भाजपा इनको नहीं ला रही तो बेचारे अपना कांग्रेस ही में है। ये जरूरी नहीं है कि भाजपा सबको ला रही है, भाजपा बुद्धिजीवी को ला रही है। और यदि आप और बात करें तो हमारे जितने विदेश में अप्रवासी हैं, गुजरात के 80% पूरे इंडिया के 80% गुजरात के हैं। वो अपना प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री खुद है गुजरात के हैं, वो अपना प्रतिनिधि भाजपा को चुनते हैं। तो बुद्धिजीवी के कोई सोचे कि नहीं, ये आदमी लड़का नहीं पढ़ा लिखा है तो ऐसा बोल रहा है, तो सबसे पढ़े लिखे सबसे धनी लोग तो गुजरात के हैं। आपने कहा कि हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हाँ, राजनाथ सिंह जी आए थे, ठीक है, न उन्होंने शिक्षा की बात की, न उन्होंने स्वास्थ्य की बात की, न उन्होंने रोजगार की। अरे भैया यहाँ पर खेती की और मटरा महुआ के बात नहीं करें, उनको राजनाथ सिंह राष्ट्रीय स्तर के नेता है, इसके पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको पास समय कहाँ है? आप सब समझ रहे हो भाजपा को वोट देना है, वो आए ही काफी है। ठीक है, आए काफी है, अच्छी बात है, पार्टी का पक्ष उन्होंने रखा। मैं 89 में बीएससी किया हूँ, मैं 89 में टीआरएस से बीएससी किया हूँ, मुझको रोजगार नहीं मिला। एक ही सीट आईएएस की है तो पूरा रीवा जिले के लड़का कलेक्टर न बनी। हम प्राइवेट जॉब करता हूँ, डीडी बिल्डर्स में साइड इंचार्ज हूँ, 40,000 में भी पता हूँ, रोजगार कहाँ नहीं है? यानी आपके कहने का मतलब है जिसमें काबिलियत होगी उसे रोजगार मिलेगा? काबिलियत होगी तो चाय का ठेला भी खोल रहेगा, बिल्कुल समझदार होगा तो अपना पेट चला लेगा। कुछ नहीं, हम खुदे बता रहा हूँ, 89 में बीएससी किया हूँ। कहाँ के यहाँ? नई गढ़ी के यहाँ, नगर परिषद नई गढ़ी। अच्छा, नगर परिषद के यहाँ, नई गढ़ी में इधर की काल आ गए थे? ठीक है, जब कुछ हुआ ठीक ठाक है। कौन बोले इधर की पांसा पलटल सांसद की बना लें इधर की? अब देखी के बना, दोनों जने यहाँ टक्कर वाले टक्कर है के हैं, भाई मिश्रा और जनार्दन मिश्रा। तो भाई मिश्रा नहीं लड़ाए, उनका धर्म पत्नी नीलम मिश्रा जी। हाँ, दोनों जो नेक टक्कर है, देखी के कई पांसा पलटा पलटा जी। कितना विकास हुआ अपना देवतालाब का? लगा के अंबार लगे हैं, बताने की जरूरत नहीं। हमारी देवतालाब ये थे 15 किलोमीटर, ये रोड यहाँ पर जो है तो माननीय विधानसभा गिरीश गौतम जी के सौजन्य से 4 लाइन 2 लाइन और देवतालाब विधानसभा में चौकीदार रोडों का जाल बिछा है। हर आदमी सुरक्षित है, हर आदमी को काम है, और वो 365 दिन में 300 दिन अपने क्षेत्र में बने रहते हैं। भोपाल से रीवा आए हैं, 8 बजे उतरे हैं तो 10 बजे क्षेत्र में आ जाते हैं। किसी के मरने हराने ढूंढने या किसी की प्रोग्राम में किसी भी बुलावा में वो कभी ये नहीं देखे कि छोटा है कि बड़ा है, वो हर पल हम लोगों के साथ में है। और यार जब से तो उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार में वो जो है तो विधायक हुए और भी विधानसभा अध्यक्ष हुए थे, तो यहाँ के क्षेत्र के जनता को ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं ना कहीं घुमाने भगाने और उनको हर प्रकार की व्यवस्था सुरक्षा दे रहे हैं। देवी दयाल पांडे जी, कहाँ? बीजेपी मंडलगढ़ी पदाधिकारी। अच्छा, चौथर मंडलगढ़ी जी जी। अच्छा, अपना पदाधिकारी है, अधिकारी वाला सीधे सवाल करी जी, कितना विकास करी जनार्दन मिश्र जी और राजनाथ सिंह जी आज प्रचार करे आए, कितने मतन से जीतल रहा जनार्दन मिश्र जी? चूंकि अपना पदाधिकारी हम तो बोल तो है जीतल रहा, अपना हम क्या अंतर बताई थी मतन के आंकड़ा ने विकास के बाद हम कौन से करी ला है जी? विकास तो ये देखा दिखा लागे भला, ये हमारे भुखमार बीमारू राज्य है मध्य प्रदेश, हम किसान हैं भला, बड़ा बार किसान हैं। तो बीमारू राज्य का आज मुख्यमंत्री पहले आए, पिछले वाले शिवराज सिंह चौहान, जितना विकास बहुत दिखा लागे,
कांग्रेस शासन काल के आप सभी लोग जानत हो कितना कांग्रेस विकास कह रही है जनता बताई है हम कहने बताबे का जब से बीजेपी आई तब से लगभग लगभग जो है देशवा के विकास बहुत बढ़िया था जी। भाई जो है 300 रुपये कुंटल मानी धान बेचा रहा 500 रुपये कुंटल गेहूँ हवा खसक जा रही मैंने पूरा खर्चा जोड़ ले रहा। आज स्थिति बदल गई है कि गांव में सरकार के बिना दहे सरकार जो नहीं देती है तब वो गांव में किसान पक्का बना लेते हैं जी जी, जी। पक्का नहीं बना लेते हैं आप जाए देखे जाएगा तो 10 बीघा का वो ट्रैक्टर खरीदे ला गए पहले 150 ठीक है अपना ठीक है हमके हार जीत का अंतर बताया जी कितने वोटों से हार जीत हो लाइन हार जीत जीत दिखा लागी आइया नहीं दावा की जा सकत कितने वोटों से जीत दिखाई थोड़ा मुकाबला हाँ मुकाबला करी मैंने टक्कर है इतना सरल काम नहीं आए ऐसे कि जनार्दन जी कोनो कमी तो सर नहीं है बड़ा सरल रहता हाँ विकास बहुत कठिन भाई बड़े तो पैमाने पर जनता कुछ बैकल ही क्षेत्र के भला हमसे नहीं मिली सांसद का पढ़ा है विकास करेगा कि मिले के पढ़ा है बता पहले सही बात है सबसे मिले लागे तो पूरा समय मिले चला जाएगी हाँ विकास करें जैसे हवाई जहाज वाला काम की जैसे थोड़ा रोका अपना की जैसे मऊगंज विधानसभा में लोग ही कह रहे हैं कि मऊगंज के विधायक क्षेत्र में उतर नहीं आई लेकिन जनता तब वो जिताई थी तो का वही समीकरण ही उधर की लागी है ना बिल्कुल लागी जनता भाई साहब का है ये क्षेत्र में आज से नहीं है 35 साल से आवत है तमाम जी जी कब को बरात चलाता है तो समझ ले पानी पे संकट हर रहा तो उनका बता दिला है हाला तमाम आप आस पास आवर है पहले अपना पैदल वाली बरात की चर्चा पैदल वाली बरात आवर है 5-5 किलोमीटर तुम्हारे गाँव में एकदम भटक गए ना रास्ता में जाने चार फिर खेते में पड़े रहे बरात फिर सवेरे मनी जलेबी खान जाएगा भला यही क्षेत्र के बाद बताई ला अभी तो उतर गए हैं तब हिया भाई चमच चम मरोढ़िया रोज आई थे हमारे प्रभारी हैं अब माननीय सरदेश पांडे जी देवतोला विधानसभा के प्रभारी हैं उनके संगे हम सहयोग में रोज आई थे रोज वहाँ से तो रोज जाई थे एक घंटा 15 मिनट में पहुँच जाई थे खर्चा लागत जरूर लेकिन सुविधा तो कम से कम सुविधा है फर्स्ट क्लास चमाचम रोड यहाँ बिजली है पानी है स्वास्थ्य सुविधा है लगभग सब कुछ है अब बैकलायक हो तो बैकलायक दवाई दुनिया में नहीं आए। माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय नेता हैं देश के रक्षा मंत्री हैं चुनावी माहौल है चुनावी प्रचार में आए थे पार्टी के प्रचार में आए थे और अपने पार्टी के संबंध में अपने जो विचार रखे हैं वो उनके पार्टीगत मामले हमारा अपना सवाल ही है नई गढ़ी में आज आए रहे जनार्दन मिश्र जी पिछले 10 साल से सांसद हैं विकास कितना गढ़ी नई गढ़ी में वो जनता बताएगी आप तो जनता नहीं है आप भी तो जनता है न अब जो चुनाव होगा हाँ तो उसका रिजल्ट बताएगा कि ये अच्छे थे कि बुरे थे वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कितना विकास हुआ है विकास दिख रहा है।